इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। ऑपोजिशन रखेगी, पहले खुद तो करके दिखाएं। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जब तकरीर कर रहे थे, इनके पूछें कि कितने फ्रंट बेंचर्स बैठे हुए थे, कोई भी नहीं बैठा हुआ था। ठीक है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तकरीर की, कितने फ्रंट बेंचर्स बैठे हुए थे, कोई भी नहीं, कोई वजीर नहीं बैठा था। ठीक है, तो अपने पहले तो रवायत ये कायम करें और उसके बाद आप ऑपोजिशन को कुछ। ठीक है, हिना परवेज भट्ट साहिबा, ये जो एक आर्गुमेंट है कि जो बिलावल साहब ने आज बात की कि अपोजिशन अपोजिशन कर रही है, हुकूमत भी अपोजिशन कर रही है, तो अपोजिशन तो अपोजिशन नहीं कर रही, आप तो एक दूसरे की अपोजिशन कर रहे हैं। नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी की अपोजिशन कर रही है, पीपल्स पार्टी जेयूआई की अपोजिशन कर रही है, गवर्नमेंट की अपोजिशन तो कोई नहीं कर रहा। यही वजह है कि गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, वो कह रहे हैं अब हम 5 साल पूरे करेंगे। बल्कि खान साहब को आपने सुना होगा पिछले दिन, वो तो कह रहे हैं अगले 5 साल भी हमारे परवाह नहीं है। समर, सबसे पहले तो ये अनोखी हुकूमत है जो बजट भी खुद पास करती है, एहतजाज भी पार्लियामेंट में खुद करती है। अभी तो हमें ये डर है कि ये बजट के ख़िलाफ़ सड़कों पे जाके धरना भी ना देना शुरू कर दें। मेरे ऑनरेबल कुलीग ऑन साहब ने अभी कहा कि अगर कोई इमरान खान साहब को कहेगा डोंकी राजा की सरकार तो हम इंतशार फैलाएंगे। तो आप देख लें कि इनकी अप्रोच क्या है, जो टीवी पे बैठ के ये कहते हैं कि हम इंतशार फैलाएंगे। इससे पहले आपने सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखे कि पार्लियामेंट में अगर मरियम औरंगजेब साहिबा या हमारी बाकी जो मेंबर्स थी उन्होंने प्ले कार्ड्स उठाए भी हुए थे तो इनकी असेंबली की मेंबर्स जाके खींच रही थी और इन लोगों ने एक्चुअली इंतशार फैलाने की कोशिश की। उससे पहले आपने देखा फिर दोस्त आशिक अवान साहिबा ने जिस तरह टीवी पे कोशिश की हिट करने की कादिर मंदुखेल साहब को, और उसके बाद सुना उन्होंने बड़े फखर से असेंबली के अंदर, तो असेंबली के अंदर तो आपके अरकान ने नाजेबा वहां पे अल्फाज कहे, गैर अखलाकी नारे वहां पर लगाए गए और यहां तक कहा गया गालियां देने के बाद कि यह तो पंजाब का कल्चर, हालांकि पंजाब का कल्चर नहीं है ये, माना गया उस चीज को। देखिए, इस बात पे मैंने लास्ट टाइम भी यही बात की थी, पंजाब का कल्चर बिल्कुल नहीं है। उनकी किसी की जाती राय हो सकती है, ये पीटीआई का कल्चर जरूर है। पीटीआई का कल्चर हमने पहले दिन से देखा है, गालियां देना, गालियां गलोच। पीएमएलएन का बिल्कुल कल्चर नहीं है, पीटीआई का कल्चर जरूर है। आपने इनके इन्हीं की एमएनए की वीडियो है ना जिसमें गालम गलोच दे रहे हैं, उसमें सबसे पहले तो उन्हीं की वीडियो शेयर हुई ना, जिस तरह हम और वो बहन की या माँ की या यू नो लाइक इस तरह की गालियां देना तो बिल्कुल सूट ही नहीं करता। तो मैं तो उसको कंडेम करती हूँ और मैं बिल्कुल ये कहूंगी कि पंजाब का कल्चर गालियां देना है ही नहीं। दूसरी बात आपने तो कंडेम उसे भी करें ना, कंडेम जो अली गोहर बलोच और रोहेल असगर साहब जिस तरह की बातें कर रहे थे उन्हें भी कंडेम करें ना, फिर हौसला पैदा करें। देखिए, पार्लियामेंट में हम लोग मेंटोर्स हैं, समर हम लोग मेंटोर्स हैं फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, फॉर पाकिस्तानी अवाम के, और हमें सबको चाहिए एज पार्लियामेंटेरियंस रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करें, स्पेशली इन द असेंबली, रिगार्डलेस ऑफ विच एवर पार्टी वी बिलोंग टू, वी आर सपोज टू शो गुड पार्लियामेंट्री बिहेवियर, पहली चीज। दूसरी बात, आपने बात की जिस तरह के बेसिकली ये चाहते थे कि एक कॉन्ट्रैक्ट हम साइन करें कि इमरान खान साहब शहनशाह आजम जब असेंबली में आए और स्पीच करें तो वहां पिन ड्रॉप साइलेंस हो, वहां कोई शोर ना मचाए। आप मुझे बताएं कि लास्ट 3 महीनों में इमरान खान ने फलस्तीन वाला इतना इंपॉर्टेंट इशू आया, इमरान खान साहब जो है वो असेंबली में आए, उन्होंने कोई तकरीर की, या TLP वाला जो इशू हुआ उस पर इमरान खान साहब असेंबली में आए? लास्ट 3 महीने पहले जो वो असेंबली में आए ना, वो तब आए थे जब उन्होंने झूठा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया था असेंबली से, और शुरू में जिस पे हम बात कर रहे हैं, शुरू में जब ये शहनशाह आजम आए थे ना असेंबली में, तब RTS बिठा के इन्होंने सिलेक्टेड इमरान खान को हमारे पे मसलत किया था, और जहांगीर तरीन साहब का ना जहाज भेज के पंजाब की हुकूमत और वहां की हुकूमत पर जो आई थी, इसीलिए हम लोगों ने जो है इनको बात नहीं करने दी। और काली पटिया
चड्डियां पहन के हमने ओथ भी लिया था, तो उसके बाद से तो इनके पर इतना हौसला होना चाहिए था कि, और दूसरी एक और चीज मैं आपको बात करूं, ये रोज बात करते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, मैं उसी तरफ आ रहा हूं, हेड ऑफ स्टेट है ना वो सबसे पहले, नहीं एक मिनट, ये इतने कंफ्यूज है इनके हेड ऑफ स्टेट कि एक तरफ से इनका जो मिजाज है वो फासिस्ट मिजाज है, दूसरी तरफ से इनका जो सोच है ना वो डिक्टेटर की सोच है, वो कहते हैं कि चीन की तरह हुकूमत होनी चाहिए। हाँ, इस पे फिर मुझे पहले बात करने ब्रेक देना। बात, प्रोग्राम में बात करेंगे। कौमी असेंबली के अंदर आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत के जो बजट है, जो अदाद शुमार है, उन्हें मुस्तरद कर दिया और साथ ही हुकूमत को एक क्रेडिट दिया है। वो क्रेडिट क्या दिया वो आज सबने देखा कि गदों की तादाद बढ़ने पे उन्होंने कहा कि बाय द हुकूमत की जो कंट्रीब्यूशन है, जो उनकी परफॉर्मेंस है, वो गदों की तादाद का बढ़ना है। तो क्या उन्हें ये जो हुकूमत बड़े बड़े दावे कर रही है ओवरऑल इकॉनमी के ठीक होने के, तरक्याती स्कीमों के वाले से, तरक्याती बजट के वाले से, क्या वो बिलावल साहब को नजर नहीं आए कि उन्हें सिर्फ की तादाद बढ़ने पे हुकूमत को क्रेडिट दिया है? जरा सुन ले, बिलावल साहब ने आज हुकूमत की पूरी 3 साल दौर इक्तदार में उन्हें वाहिद परफॉर्मेंस क्या नजर आई, जरा सुन ले। 100,000 इजाफा हुआ है गदों का तादाद में और वो 5.6 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। तो गोरे तो उतने ही हैं, मगर पीटीआई के दौर में नया पाकिस्तान में तो गदों के तादाद में इजाफा हुआ है। ये सेनेटर रौनबाज साहब बिलावल साहब फरमा रहे थे कि मैंने बड़ी कोशिश की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी को देखा, लेकिन कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जिसकी तारीफ की जा सकती। तो वो कह रहे हैं एक ही उन्होंने अच्छा काम किया है कि उसमें हम कह रहे हैं कि वो गधे कह रहे हैं 1 लाख बढ़ गए, बाकी कोई हाल ही कोई नहीं गवर्नमेंट का। सर सर, मैं वैसे ना पिछला जो पूरा हफ्ता गुजरा है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कल रात के बाद शायद एक सेंस ऑफ जो सीरियसनेस है या सेंस ऑफ एक एथिकल वैल्यूज जो है ना वो शायद प्रिवेल कर गई है असेंबली में, क्योंकि असेंबली बेसिक रिप्रेजेंटेशन होती। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो दोस्तों आप सुन रहे थे पाकिस्तान की जो अपोजिशन पार्टी की एक प्रवक्ता है, हिना परवेज़ भट्ट इनका नाम है, और ये मरियम नवाज़ शरीफ जो नवाज़ शरीफ की बेटी हैं उनकी खासी करीबी हैं, और ये पाकिस्तान की मतलब जो नवाज़ शरीफ की पार्टी है उसकी प्रवक्ता हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि इन्होंने इमरान खान को बताया कि इमरान खान कभी भी पार्लियामेंट में आते ही नहीं हैं, इमरान खान की अटेंडेंस इतनी ख़राब है, मतलब अभी तक अगर पार्लियामेंट में वो 2-3% ही आए हैं, वो भी स्पेशली जब कुछ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो वो पार्लियामेंट में कभी भी नहीं आते हैं। तो इस बात को लेकर ये बोल रही थी कि वो एक एफिडेविट लिखवाना चाहते हैं जिसमें वो बोलना चाहते हैं कि इसमें साइन करो और मुझे सहनसा डिक्लेयर करो और मैं जो चाहूँ वही होगा। इस तरीके का इन्होंने जो टॉन्ट कसा है काफ़ी फनी था। वो आपको बता दें कि पार्लियामेंट को लेकर ये पाकिस्तान में जो बहस हो रही है, अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ऐसा दंगल मचा था, मतलब बिल्कुल पंजाबी गालियां चल रही थी माँ बहन की, और जो कुछ भी हाथ में आ रहा था अपोजिशन और जो मेन पार्टी है दोनों एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे, और ज़बरदस्त माहौल बना था, और इस माहौल की चर्चा सारी दुनिया में भी हुई थी क्योंकि इतनी गंदी गंदी गालियां दी जा रही थी। एक दो महिलाएं इंजर्ड भी हुई थी, उनकी सर पर चोट आई थी, किसी ने कुछ फेंका था तो उनके सर पर ही लगा था। तो पाकिस्तान का ये जो माहौल है, इस इमरान खान भी संसद में मौजूद नहीं थे, आपको बताया मैंने कि इमरान खान बहुत ही कम संसद में आते हैं, प्राइम मिनिस्टर शायद शपथ ली होगी उसके बाद एक दो बार ही आए हैं, बाकी वो आते ही नहीं है पार्लियामेंट में। तो दोस्तों पाकिस्तान का अभी तो जो संसद वाला माहौल है वो तो अब शांत हो गया, अब दोनों तरीके के जो सांसद हैं वो भाई भाई बन गए हैं, लेकिन इन्होंने जिस तरीके की एक दूसरे को गालियाँ दी हैं वो मतलब आपको मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं, अगर आप वो देखेंगे वो काफ़ी फ़नी थे। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव जरूर दें।